हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। टाइमलेस जनरल रीडिंग रहेगी और इस टाइमलेस जनरल रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, ठीक है। ओके देखो क्या यहाँ पे हो रहा है। हो सकता है कि थोड़ी एनर्जी डाउन चल रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है शायद थोड़े से बोर हो गए हैं इस रिलेशनशिप से, या फिर थोड़े से वो टाइम चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वो टाइम चाहते हैं कि चीज़ें और वक्त लें, चीज़ें थोड़ी और बेहतर हो और वो आपकी वर्थ थोड़ा और समझ पाए। क्योंकि मुझे लगता है इस वक्त तो वो आपकी वर्थ ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं, तो अगर वक्त लेके वो समझना चाहते हैं उनको वक्त दो। क्योंकि हर एक चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समय के साथ सही होता है। आप कितना भी कोशिश करो, समय से पहले कुछ चीज़ें सही नहीं होगा। सो डोंट थिंक अबाउट इट, ठीक है। कभी कभी आपको समय चाहिए होता है, कभी कभी आपके पर्सन को टाइम चाहिए होता है। तो दोनों का जो है वक्त यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सो आपने जितना टाइम लेना है आप ले रहे हो, और आपके पर्सन को जो टाइम चाहिए उनको दो, तब जाके चीज़ें यहाँ पे बेहतर होगी, दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी होगी। मुझे लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप वो रियली कहीं ना कहीं नीड करते हैं, ठीक है। आपके साथ रिलेशनशिप कहीं ना कहीं उनको नीड है। मतलब एक होता है ना कि ज़िंदगी में ज़रूरत होती है कुछ चीज़ें, तो रिलेशनशिप आपके साथ जो है उनको मुझे कहीं ना कहीं ज़रूरत महसूस होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मैं मीन कर रही हूँ, उनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है जितना आपके बारे में सोचते हैं, हर एक चीज़ को लेके जितना आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, शायद वो लाइफ में अपने पेरेंट्स को ही देते होंगे उतना, ठीक है। मतलब यू आर स्टिल वेरी, यू नो, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। नो मैटर आपकी बात हो रही है नहीं हो रही है, आप कोई भी समय में मतलब उनको कुछ हेल्प मांगो, वो करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना सोचते हैं कि अगर रिलेशनशिप है तो चीज़ें हर्ट की तरफ जाती हैं, ठीक है। रिलेशनशिप है तो चीज़ें हर्ट होने की तरफ जाती है। सो अगर ये रिलेशनशिप में आप हर्ट हो रहे हो या फिर वो हर्ट हो रहे हैं, तो ये तो चलता है, एक रिश्ते में ये सारी चीज़ें चलता है, ठीक है। उनको ये फील होता है, मतलब उनके लिए हर्ट होना या फिर हर्ट करना नॉट ए बिग लाइक प्रॉब्लम, ये सब उनके लिए नॉर्मल है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बड़ा साए महसूस कर रहे हैं अपनी कोई भी बात, अपनी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आपको बताने के लिए। क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप दोनों के बीच में वो पहले की तरह समय नहीं है, या फिर पहले की तरह बॉन्ड नहीं है जहाँ पे वो शेयर करें चीज़ें। सो ये थोड़ा सा आई थिंक इनसिक्योर हो रहे हैं या फिर डर रहे हैं रिलेशनशिप को चीज़ें सही करने के लिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जेन्युइनली ये पर्सन आपके लिए, यू नो, एक सैडनेस महसूस करते हैं, एक सैड फील करते हैं। उन जब भी आप उनको रिप्लाई नहीं करते हो या फिर आप जानबूझ के उनको इग्नोर करते हो, उनको बहुत बुरा लगता है। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि मैं क्यों इग्नोर करूँ, लेकिन मुझे पता है कुछ लोग ऐसे हो जो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, हर्ट हो गए हो, और आप ऐसे हो कि मैं भाई तुम्हें मुझे मुझे तुम्हें रिप्लाई नहीं करना है, तुम मुझे बहुत हर्ट करते हो,
बहुत तकलीफ देते हो, बहुत परेशान करते हो, तो मुझे तुम्हें रिप्लाई नहीं करना है। वो जब बोलते थे चीज़ें, कोई भी बात वो बोलते थे, कोई भी बात, लाइक उनको बोलना पसंद था, अच्छा लगता था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सुनते थे बहुत ध्यान से, उस बात को आप सुनते थे बहुत ध्यान से, उस बात को लाइक उस बात के ऊपर गौर करते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत बेस्ट लिसनर को मिस कर रहे हैं, ठीक है, मिस कर रहे हैं। आप एक बेस्ट लिसनर हो, बहुत अच्छे से उनकी बात सुनते हो, बहुत अच्छे से मानते हो, ठीक है। और आप अगर कभी लाइक उनकी पसंदीदार कुछ ड्रेसेस पहन के गए हो, या फिर उनकी पसंदीदार कुछ चीज़ें आप पहन के गए हो, ये इंसान बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है, लिटरली ये बहुत खुश हो जाते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि लाइक तुम बिल्कुल मेरी पसंद के आज पहन के आई हो। सो ड्रेसेस के ऊपर इनका थोड़ा मन बहुत अच्छा लगता है, जब आप उनकी उन जो भी आप करते हो ना, उनकी इच्छा जो है, उनको जो अच्छी लगती है जो आप करते हो। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल है। ये कोई भी बात आपसे शेयर करने से पहले सोचते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं या तो आप उनको सपोर्ट करोगे या फिर सही सलाह दोगे। आप ये दूसरों की तरह ज्ञान दे के चले नहीं जाओगे, या फिर ना समझी का ज्ञान नहीं दोगे। सो आई थिंक यही एक खूबसूरती होती है कि एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में की चीज़ें जो है वो इस तरीके से होती हैं, ठीक है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बार सोच सोच रहे हैं, रात को, इवन कल रात को भी शायद सोच रहे थे कि एक बार, एटलीस्ट एक बार आपको कॉल करे, आपकी वॉइस सुने, बट सोचा कि छोड़ो, क्यों डिस्टर्ब करूँ मैं तुम्हें, ठीक है, क्योंकि तुम मुझसे जितना हर्ट हुए हो, मैं अगर फिर से तुम्हें कॉल मैसेज करूँ तो तुम और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, और भी ज़्यादा परेशान हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जितनी बार भी उनको मन होता है आपसे कांटेक्ट करने का, उतनी बार उनको अपना दिया हुआ दर्द याद आ जाता है, और वो अपने दिए हुए दर्द को लेके सोचने लगते हैं कि नहीं, चीज़ें बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा, मैं कुछ नहीं करता हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पसंद, देखो आपको लगता होगा कि वो ऐसे देखेंगे तो आपको पसंद नहीं करेंगे, वैसे देखेंगे तो पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि इस पर्सन के नज़र में आप हमेशा ही बहुत अच्छे हो, एज ए ह्यूमन बींग, और देखने में भी आप हमेशा ही बहुत ज़्यादा इनके नज़र में अच्छे इंसान रहे हो। अभी भी वो चाहे आपकी फ़ोटोज़ देखे, ओल्ड फ़ोटोज़ देखे, कुछ भी देखे, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक तुम कितने अच्छे थे, ये वो सोचते हैं, ठीक है। ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, ऑनेस्टली आपको मिस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ ये मिस कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप जानोगे मिस कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो रिच आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मतलब तुम तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। अब ये पहुंचना कैसे भी हो सकता है, किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकता है, खुद मैसेज कर सकते हैं, या फिर कुछ इमोजी भेज सकते हैं, वट एवर द, मतलब कुछ भी, मतलब ये एक बार आप तक रिच आउट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप इनके लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो, और वो चीज़ वो आपको फील करवाना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। ये पर्सन कभी कभी सोचते हैं कि वो आपके लिए सही इंसान नहीं है, आप लाइफ में मच मोर बेटर, बेहतर पर्सन डिजर्व करते हो, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि मैं जैसा इंसान हूँ, मैं तो तुम्हें सिर्फ हर्ट करता हूँ या फिर हर्ट करती हूँ, तुम जीवन में जो है बहुत एक अच्छा इंसान तुम्हें मिलना चाहिए।
इंजिस प्लीज हमें गाइड करें और ये पर्सन की क्या फीलिंग्स है। देखो ऑनेस्टी बहुत इम्पोर्टेंट है एक रिलेशनशिप में। आई थिंक आप खुद देख लो कि आपके रिलेशनशिप में कितनी ऑनेस्टी थी, कितनी सच्चाई थी, वो आपको कितना सच बोलते थे और आप उनको कितना सच बोलते थे। मुझे वही ना कहीं वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा इशू दिख रहा है कि चीज़ें शायद ऑनेस्ट कुछ कुछ चीज़ों में नहीं थी, ठीक है। और एक चीज़ मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से गया है, उसको भगवान ने निकाला है, सो डोंट थिंक अबाउट इट, ठीक है। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान की जो प्लानिंग होती है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। मैंने तो आप भी खुद देखो ना, ये इंसान अगर आपकी लाइफ से चले गए हैं तो आपको दुख लगता होगा, लेकिन आपकी लाइफ से काफ़ी सारी इश्यूज भी कम हुए होंगे। तो कभी कभी भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, आपको भी ये चीज़ समझना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज मुझे ऐसा लग रहा है, इवन आप ये रीडिंग अभी देख रहे हो ना, तो मुझे एक चीज़ ये लगता है कि ऑलवेज ये पर्सन जो है उनको आपके ऊपर नज़र रखना बहुत पसंद है। आप लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप किस हाल में हो, कहाँ गए हो, लाइक आपकी लोकेशन कहाँ पे है, बहुत सारी चीज़ें में ये ध्यान देते हैं। आपके पर्सन की जब आँख खुलती है ना, वो सबसे पहले फोन देखते हैं, आपका मैसेज तो नहीं आया है, आपका कॉल तो नहीं आया है, वो सो गए थे रात को, ठीक है। या फिर वो लाइक मतलब कोई आपकी तरफ से कुछ कांटेक्ट तो नहीं आया है ना, इस तरीके से मुझे दिख रहा है। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि सुबह होते ही आपका कॉल मैसेज इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन गलती क्या हुई यहाँ पे, वो खुद ही चीज़ों को संभाल नहीं पाए, ठीक है। उनकी ये गलती थी कि वो चीज़ों को संभाल नहीं पाए, अदरवाइज उनको आपकी अभी भी ज़रूरत है। और आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ कुछ सिचुएशन कुछ इंसान हैंडल नहीं कर पाते हैं, और आपके पर्सन कुछ कुछ सिचुएशन जो है वो हैंडल नहीं कर पाए, स्पेशली ये जो सिचुएशन है इसको वो हैंडल नहीं कर पाए, इसीलिए आपसे दूर गए या फिर इसीलिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। मेच्योरिटी इनके अंदर जो है इमेच्योर तो मैं नहीं बोलूँगी, मेच्योरिटी इनके अंदर है, लेकिन और भी ज़्यादा मेच्योर इनको बनना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हाल ही में जो है कुछ ऐसी बड़ी बात हुई होगी जिससे ये इंसान कंफर्म हो गए कि लाइक आप एक्चुअली में कैसी हो, आप एक्चुअली में कितनी अच्छी हो या फिर दूसरों से कितने अलग हो। कुछ तो उनके लाइफ में एक बड़ी चीज़ हुई होगी, कुछ तो इनके लाइफ में एक बड़ी इशू हुई होगी जिससे उनको एक चीज़ का ज्ञान आ गया, एक चीज़ का समझ आ गया कि आप कितने डिफरेंट हो, अच्छे हो, अलग हो, ठीक है। मतलब कुछ बड़ा हादसा हुआ है शायद। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिस तरीके से अपना दुख को छुपाते हो ना, अभी छुपा रहे हो, वो बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप छुपा रहे हो लेकिन वो समझ पा रहे हैं। सो आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी लाइफ है उसको फ्लॉन्ट करो, ठीक है। एक इंसान को पता तो चलना चाहिए ना कि वो कितना गलत कर रहा है तुम्हारे साथ। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अटेंटिवली आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी। और एक चीज़ है, इस इंसान के अंदर दिन ब दिन आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आने लगी है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ये इंसान अपने आप मतलब वो फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, कि हाँ भाई ये इंसान जो इतना बेहतर था, मैं उस वक्त इसको जो रिस्पेक्ट मुझे देना था मैं नहीं दे पाया, फिर नहीं दे पाई, लेकिन तुम हकदार बहुत सारी चीज़ों का हो, तो जिस चीज़ का तुम हकदार हो वो चीज़ तो वो तुम्हें लाइक देंगे ही देंगे। और कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक कम से कम एक फ्यूचर अभी सोच रहे हैं, ठीक है। जो पहले होता था ना कि शादी के लिए मत बोलो, कि फ्यूचर के बारे में मत सोचो, पता नहीं चीज़ें वर्कआउट करेगी या नहीं, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली जो है वो
फ्यूचर के बारे में सोचना इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं थोड़ा कार्ड रीडिंग कर लेती हूँ। ओके, लेट्स सी। और ये पर्सन की क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके लिए? लुक बियॉन्ड इल्यूजन। मुझे लगता है कि पाइसिस एनर्जी हो सकती है। एंड देखो, जो सारी चीज़ें यहाँ पे आप दोनों के बीच में ना एक दीवार बन के खड़ी हो रही थी, वो ना पहले आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि ये मेरे रिश्ते में हार्म कर रहा है या फिर वो मेरे रिश्ते में हार्म कर रहा है। वो सिर्फ एक चल रहे थे कि मेरा मन ये बोल रहा है तो मैं ये करूँगा या फिर करूँगी, ऐसा वो चल रहे थे। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो आपके रिश्ते में हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं चीज़ों को। और कहीं ना कहीं इस इंसान को समझ आता है कि हाँ, मेरा रिश्ता अगर इस रीज़न की वजह से ख़राब हो रहा है तो मैं अपने रिश्ते को क्यों तोड़ूँ, मैं ये रीज़न को निकाल के बाहर फेंकूँगा या फिर फेंकूँगी अपनी असल जीवन में, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है मोस्टली, कि इंसान जो है आपको चूज़ कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्विन फ्लेम इज नियर। अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, मुझे यहाँ पे मोस्टली टॉरस की एनर्जी, एरीज की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एंड अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आओ, या फिर मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो स्लोली स्लोली, ठीक है। और एक चीज़ है, जो भी वो आपके बारे में गलत सोच रहे थे ना, वो मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, सही चीज़ों में वो मुझे कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मेक द एफर्ट, ये वो कर रहे हैं, ये एफर्ट वो जरूर डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है बिना एफर्ट के जो है चीज़ें सही होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और थोड़ा हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो, कि पर्सन जो है एफर्ट डाल रहे हैं इस रिश्ते को लेके, ठीक है, मेक द एफर्ट, एफर्ट डाल रहे हैं। और एक चीज़ मुझे लग रही है, इस रिश्ते के लिए अगर उनको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना पड़े, कुछ टफ डिसीशंस भी लेना पड़े, तो वो स्लोली स्लोली लेंगे। अभी तो वो स्टार्ट कर रहे हैं लेना, लेकिन आगे जो है और भी ज़्यादा वो स्लोली स्लोली डिसीशंस लेंगे। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत होकर बैठो, हर एक चीज़ इस इंसान के ऊपर छोड़ दो। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेयर। देखो एक चीज़ करो, एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेला करो, आप तो नहीं करते हो, उनको भी नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को जलाना, एक दूसरे को कोल्ड बिहेव करना, ये सब मत करो, स्पेशली जेलसी ये सब मत करो, इससे नेगेटिविटी बढ़ती है। तो लेट इट बी, जैसे चीज़ें चल रही है वैसे चलने दो, ऑटोमेटिकली 80-90% चीज़ें जो है वो सही हो जाएगी। आपके लिए मैं कार्ड देखती हूँ। डिवाइन टाइमिंग रीचिंग आउट। आप जो इतने परेशान हो रहे हो ना कि कब मेरे से बात करेंगे ये पर्सन और कब मेरे से जो है वो रियूनियन करेंगे, मैं आपको बता दूं, समय से पहले कुछ नहीं मिलता। दो चीज़ है, आप बार बार इन तक रीच आउट करते हो, मैसेज करते हो, कॉल करते हो, छोड़ दो। थोड़ा टाइमिंग के ऊपर बिलीव करो, थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग के ऊपर बिलीव करो, क्योंकि आपने हर एक चीज़ करके देख लिया लेकिन चीज़ें कुछ नहीं हो रही है। तो आपको सिंपली क्या करना है, चीज़ें आपको लेट गो कर देना है, छोड़ देना है चीज़ों को लेके, ठीक है। ये जो डिवाइन टाइमिंग है इस पे आपकी जो चीज़ें हैं वो होना सही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली होना सही हो जाएगा, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप परेशान मत हुआ करो और बार बार इन तक रीच आउट करने की कोशिश मत करो। और अगर आप बार बार नहीं कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया है, तो एक बार रीच आउट करने की, कॉल मैसेज करने की कोशिश करो,
देखो उनका रिएक्शन क्या होता है, उस तरीके से फिर आप रीडिंग करवा के नेक्स्ट एक्शन क्या करोगे, आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए आप उसको देख सकते हो। ठीक है, एक बार रीच करो, अदरवाइज अगर बार बार कर रहे हो तो अभी करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग और आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।